उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए राजनीति के गलियारों में सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं। पिछले कई सालों से प्रदेश की सत्ता से बाहर कांग्रेस भी चुनाव की तैयारियों में पूरी तरह से जुट गई है। कांग्रेस की डूबती नैया को बचाने के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। कांग्रेस यूपी की सभी 403 सीटों पर कैंडिडेट के चुनाव में जुट गई है। प्रियंका ने यूपी विधानसभा के करीब 50 नेताओं को खुद फोन करके चुनाव लड़ने के लिए हरी झंडी दे दी है। प्रियंका ने साफ कर दिया है कि चुनाव की तैयारियां करें, आपका टिकट कंफर्म है। कांग्रेस महासचिव का कहना है कि सभी नेता पूरा फोकस अपने क्षेत्र में रखें और लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद करें। ये वो सीटें हैं जहां पर कांग्रेस का अच्छा जनाधार है। पार्टी 2017 के चुनाव में 50,000 से ज्यादा वोट पाने में कामयाब रही थी। इस पर यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि प्रियंका गांधी लगातार अपने सभी नेताओं को फोन करती रहती है, इसमें कोई नई बात नहीं है और 2022 के चुनाव को लेकर पहले से ही तैयारियां चल रही हैं। इतना ही नहीं, अगस्त तक कांग्रेस ने प्रदेश की 200 से ज्यादा सीटों पर उम्मीदवारों की लिस्ट फाइनल करने का टारगेट भी रखा है, जिसके तहत प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने जोन वाइज बैठक कर प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू बैठक कर चुके हैं और अब पश्चिम यूपी और बरेली क्षेत्र के इलाके में मीटिंग शुरू करेंगे। इन बैठकों के जरिए प्रदेश अध्यक्ष और जोन अध्यक्ष हर जिले की रिपोर्ट तैयार करने के साथ साथ संभावित उम्मीदवारों की डिटेल्स भी बना रहे हैं, जिसे अंत में प्रियंका गांधी को सौंपा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।